वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के ऐसे प्रश्न आपको करवाने वाले हैं जो कि वर्ष 2023 में साथियों पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ वीडियो के नीचे दी गई लिंक पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि टीकाकरण अनुसूची चार्ट, जी हाँ, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किस से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टीकाकरण अनुसूची चार्ट जो है साथियों ये क्लिनिक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय जो है लगता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में इनमें से कौन सी एक विशेषता होती है। तो सबसे पहला है कि प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान, दूसरा है कि जूते के आकार का होता है, या भाई ये स्कूट से ढका हुआ इसका शरीर होता है या सल्क से ढका हुआ शरीर होता है। तो इसका सही जवाब है साथियों प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। ठीक है, विकल्प ए जो है अमीबा के बारे में बिल्कुल उचित यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वरक जो होता है ये भाई किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में क्या बढ़ाने में भाई सहायता करता है उर्वरक। तो आप सभी को पता होगा कि जो उर्वरक होता है भाई ये फसलों में क्यों दिया जाता है, क्योंकि भाई फसलों की उपज बढ़ाई जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएलेंटेरेट का सदस्य है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि फाइलम कोएलेंटेरेट का सदस्य निम्नलिखित में से है साथियों आपका जल व्याल। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर कि एप्स, जी हाँ, एप्स जो है ये होते हैं अंडाकार या पिंडज या अंडजरायुज या फिर बांझ। तो आपको याद रखना कि एप्स साथियों अंडाकार होते हैं। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम आपको बता देना है। तो आप याद रखना मायोपिया का दूसरा नाम साथियों होता है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग, तो आप याद रखिएगा लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग साथियों कारमाइन। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है, ये होता है आपका साथियों कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्या कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के तौर पर साथियों जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पीटर हेनलेन है इन्हें घड़ी के आविष्कारक के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि वोस बुबलिस एक है, तो आप याद रखिएगा वोस बुबलिस जो है साथियों एक भैंस है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो हमारी त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखने का जो काम करता है वो विटामिन ए करता है। कौन सा करता है, विटामिन ए होता है ये। अगला प्रश्न है कि भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है, इसका कारण क्या होता है। तो ये प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया है व्यापम के द्वारा। तो भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन जो है फील होती है, इसका कारण होता है भाई कि लैक्टिक एसिड का जो है संचय हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इसीलिए साथियों भारी व्यायाम के दौरान हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए आपसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है भाई, कार्बोहाइड्रेट इसके प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के जो है तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट जो है तीन प्रकार का होता है, इतना आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये तो साथियों वर्ष 2023 में
आपकी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न हैं, और डेली हम एक एक पेपर आपको जो है कंप्लीट करवाएंगे, तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। और हाँ, हमारी हर क्लास का पीडीएफ आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके।